हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं इतना मेकअप वेकअप करके चाइनीज जा रही हूँ। मेरे को बनानी थी वीडियो हाउ टू रिमूव योर मेकअप। तो पहले मैंने अपने ऊपर मेकअप किया, ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कैसे करेंगे इसकी वीडियो बनाऊंगी। बाकी मैं कहीं नहीं जा रही थी यार। तो पीछे से आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, बाहर फट रही है बारिश। आजकल दिल्ली में हर दूसरे दिन बारिश होती है। तो सबसे पहले बिंदी बिंदी हटा दो, और इसके लिए आपको ले रही हैं दो तीन चीज़ें, वेट वाइप्स, टोनर और ये गार्नियर। तो सबसे पहले निकालेंगे वेट वाइप्स। बारिश में नहीं, बच्चे पहले नहाने आ जाएंगे। अब आप बोलोगे वेट वाइप से मेकअप निकल जाएगा, इतनी सारी चीज़ों को ख्याल में रखो। सो इसका जवाब मैं पहले, मेरी आवाज़ आ भी रही है, तो ये कर लिया मैंने मेकअप रिमूव। पर देखो अभी भी ना, ये देखो ये पूरा पूरा मस्कारा है, तो ये ऐसे रिमूव नहीं होगा। इसके लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, सेम वेट वाइप के लिए ये ऐसे लेके, और इसको ऐसे करके रिमूव किया जाएगा। और इसको रिमूव करने के बाद ये देखो अभी भी आईलेट्स पे हल्का हल्का लग रहा है ना, इसको अच्छे से निकालेंगे। देन हम लेंगे टोनर। तो अगर आप आलसी हो जैसे कि मैं, तो एक वेट वाइप निकालना। थोड़ा थोड़ा मेरी आंखों में चला गया यार। बस पैसे पूछ लेना। पर अगर आप आलसी नहीं हो तो टोनर के बाद ना फेस वॉश करके आना, पर मैं आलसी हूँ इसलिए मैं पहले वेट वाइप से पूछूंगी, और फिर जब मेरा मन करेगा उसके बाद मैं फेस वॉश करूँगी। तो वीडियो में भी आलस हो रहे। तो कर लिया है फेस वाइप, अब मैं करने जा रही हूँ फेस वॉश। अब वीडियो के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, वीडियो में भी आलस ही दिखाती रहूँ, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। सो गाइस फेस वॉश हो गया। सो ये तरीका होता है, तीन चार स्टेप्स होते हैं मेकअप रिमूव करने के। तो जो लोग डेली मेकअप नहीं करते, महीने में कभी एक बार मेकअप करना होता है, किसी की शादी में जाना होता है तो मेकअप करना होता है, वो आएंगे वेट वाइप्स मुंह पोछेंगे, निकल गया मेकअप, ये गलती मत किया करो, उसके बाद ही पिंपल होते हैं। जो लोग डेली मेकअप करते हैं उन्हें ये चीज़ पता होती है, और जो लोग डेली मेकअप नहीं करते उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं होती। वैसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्हें ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता। तो ये वीडियो सबके लिए है कि हाँ मेकअप करो,
उसके बाद ठीक तरीके से निकालो वरना पिंपल निकलेगा मुंह पे, फिर मत बोलना यार ये मेकअप ही खराब होता है, मेकअप के प्रोडक्ट्स ही खराब होते हैं, जब भी मैं मेकअप करती हूँ उसका दूसरे तीसरे दिन मुझे पिंपल हो जाता है। रीज़न है उसका, आप मेकअप छुड़ाते नहीं हो ठीक से इसलिए पिंपल होता है। सो करते हैं वीडियो एंड।